क्यों उपराज्यपाल से भिड़ गई आम आदमी पार्टी की मेयर? क्यों चुनाव छोड़कर भागे आम आदमी पार्टी के 124 पार्षद? अब एलजी सिखाएंगे सबक, आम आदमी पार्टी का होगा हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में आप और बीजेपी के पार्षदों में बवाल छिड़ गया है। बवाल भी ऐसा कि बौखलाते हुए आपके 124 पार्षद एमसीडी के चुनाव से ही भाग खड़े हुए हैं। दरअसल दिल्ली में एमसीडी की स्थायी समिति की खाली एक पद के लिए चुनाव होना है और ये सीट बीजेपी पार्षद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एमसीडी की सारी पावर ही स्थायी समिति के पास है, तो समझ ही जाइए ये चुनाव कितना अहम हो जाता है। बीजेपी चाहती है जल्द चुनाव हो ताकि दिल्ली में पार्षद कामकाज कर पाए। ऐसे में बवाल करने के लिए दिल्ली की मेयर ने 5 अक्टूबर को चुनाव कराने की तारीख तय कर दी, लेकिन उसी रात में एलजी ने भी 24 अक्टूबर को ही एमसीडी कमिश्नर की मौजूदगी में चुनाव कराने का फैसला सुना दिया। ये फैसला सुनते ही आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो गया और एलजी के फैसले के खिलाफ आप नेताओं ने ऐसा हंगामा काटा, न चुनाव होने दिए और न ही नियमों का ख्याल रखा गया। सबसे पहले तो हंगामा इस बात पर शुरू हुआ कि पार्षद सदन में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, जिसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के लिए विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के पार्षद धरने पर बैठ गए। भारी हंगामे के बीच मेयर शैली ओबेरॉय ने बीजेपी उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए चुनाव से आपके नेताओं को बाहर रखने का ऐलान कर दिया। क्या कुछ कहा शैली ओबेरॉय ने तो सुनवाते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से हर बार नगर निगम के हाउस को चलाने की कोशिश करती आई है और जो ऑर्डर कल रात को निकला आज 1 बजे चुनाव होने का, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर का चुनाव है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें निर्देश दिए हैं कि आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है और नल एंड वॉइड है। जो लीगल चुनाव है कल जैसे कहा गया था सदन में 5 तारीख को ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से नगर निगम को चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से इंटरफेयर कर रही है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और जिस प्रकार से अधिकारियों पे भी दबाव डाल के आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, वो बिल्कुल जनता अब समझ चुकी है। और हम 5 तारीख को ही चुनाव करवाएंगे और जो चिट्ठी लिखी है वो भी आपको जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। सिर्फ शैली ओबेरॉय ही नहीं, आम आदमी पार्टी की पूरी फौज बीजेपी और एलजी को कोसने अब मैदान में उतर आई है। चुनाव को असंवैधानिक करार दे दिया है, तानाशाही दिखाते हुए माहौल बनाया जा रहा है। शैली ओबेरॉय के साथ साथ अब मनीष सिसोदिया भी बुरी तरह भड़क उठे हैं। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। सबको नमस्कार। मैंने कल रात भी बात रखी थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को तार तार कर रही है और रोज़ाना नित नए कारनामे लोकतंत्र की हत्या के, संविधान की हत्या के, भारत की आत्मा की हत्या के रोज़ नए कारनामे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं ये कराने की कोशिश करती रहीं पूरे दिन, नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं, कमिश्नर को आदेश दिए, और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहाँ पर बैठे रहे, बाकी काउंसलर्स इधर उधर चले गए, ना कांग्रेस के काउंसलर थे वहाँ, ना आम आदमी पार्टी के थे। रात को शायद मुझे लगा उन्हें बुद्धि आई होगी, उन्होंने चुनाव टाला, रात को 10 बजे नहीं कराया, लेकिन अब फिर 1 बजे तक चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लूटा जा रहा है इनका? कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर करा ले, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर से करा लो। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात यह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है
एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव। ये वही आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में आने पर दिल्ली को लंदन बनाने का वादा करती थी, लेकिन आज दिल्ली विकास के लिए बुरी तरह तड़प रही है, तरस रही है, क्योंकि एमसीडी में बैठे पार्षद अपनी लड़ाई से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। आप नेता कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब चलिए ये भी समझा देते हैं कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में खाली पड़े एक पद के लिए इतना बवाल कर रही है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी की ये सीट बीजेपी पार्षद के सांसद बनने के बाद खाली हुई। एमसीडी में 124 पार्षदों के साथ आपके पास बहुमत है, जबकि बीजेपी के पास 115 पार्षद है और 9 कांग्रेस के पास है, लेकिन 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में अहम वक्त पर शामिल हो गए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास 121 पार्षद ही रह गए हैं। स्थिति को देखते हुए आपको ये उम्मीद हो गई है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी वोटिंग से पैर पीछे खींच लिए हैं, जिससे उसके हाथ से पावर छिनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। एलजी की पावर को भी कुचलने का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी ने भी अब आम आदमी पार्टी की इस तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोर्ट में जाने तक की बात, लोकतंत्र की हत्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। 2 साल से दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या ये रोज कर रहे हैं। चुनाव हुए, आपकी पार्टी ने सरकार बनाई, निगम में आपका बहुमत है, उसके बाद भी आपने स्थायी समिति के चुनाव नहीं होने दिए। स्थायी समिति के चुनाव की घोषणा हुई, उसमें भी 3-3 आ गए तो इनके पैरों के नीचे जमीन लौट गई, और उसके बाद एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर कोर्ट चले गए। उसके बाद जोन के चुनाव नहीं करा रहे थे, कोर्ट के आदेश के बाद जोन के चुनाव कराने पड़े, कोर्ट के आदेश के बाद ही स्थायी समिति का चुनाव हो रहा था। पिछले 2 साल से चुनाव नहीं कराना चाहते, क्यों? क्योंकि इस साल दलित मेयर चुना जाना है। एक दलित व्यक्ति का हक ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। स्थायी समिति का गठन हो जाता तो दिल्ली के विकास के काम होते, लेकिन इन्होंने दिल्ली के विकास पे काम नहीं करना। लोकतंत्र की हत्या तो ये खुद कर रहे हैं। आज जब सारे पार्षद बुलाए, आपने नोटिफिकेशन कराया, आपने सब पार्षदों को बुलाया कि आइए 6ठे सदस्य के लिए वोट डालिए, तो फिर चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? पार्षद आपके ज्यादा है, बहुमत आपके पास है, तो फिर डर किस बात का है? डर सिर्फ इसलिए है कि ये धोखेबाजों की पार्टी है, अपने ही पार्षद अपने ही साथियों पे इनको भरोसा नहीं है। तो आज जो लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने की है, ये जग जाहिर है। हम तो आज भी बैठे हैं, आ जाए आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, करा ले चुनाव, हम तो तैयार बैठे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं करा सकते, कल सुबह करा लीजिए, परसों करा लीजिए। चुनाव से आम आदमी पार्टी भाग क्यों रही है, इसका जवाब दे मनीष सिसोदिया। आप मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या आप और हम, जब लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, वो किसी भी, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, या किसी निगम या पंचायत के हो, चुनाव आयोग की डायरेक्शन है कि कोई मोबाइल लेके नहीं जाएगा। हम लेके जाते हैं क्या? हम भी बाहर पुलिस को देते हैं। तो यहाँ भी सबने, हमारे सभी पार्षदों ने मोबाइल रख दिया। इनको मोबाइल ले जाने की जिद क्यों है, इसका कारण बता दें। मनीष सिसोदिया बता दें क्या कारण है कि मोबाइल की जिद पकड़ ली, क्यों? क्योंकि अपने साथी पार्षदों पर इनको भरोसा नहीं है। इनका खून जो है वो पानी हो चुका है, इनको अपने साथियों पे भरोसा नहीं है। अब जल्द ही आम आदमी पार्टी की अकल ठिकाने लगाने का दिल्ली के एलजी काम करेंगे और मेयर शैली ओबेरॉय को हंगामा महंगा पड़ेगा, क्योंकि एलजी ने आदेश सुनाया था कि चुनाव आज ही होंगे। आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में मौजूद भी रहे, लेकिन वोटिंग नहीं होने दी, हंगामा करते हुए बाहर निकल आए, और आखिर में शैली ओबेरॉय ने ऐलान कर दिया है कि 5 अक्टूबर से पहले चुनाव नहीं होंगे। अब देखना यह होगा कि एलजी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।